आइए हम आपको बता दें, जैसा हमको हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी उसी के आधार पर हम यहाँ पर आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये लोग अब खुद ही आग लगा कर फायर ब्रिगेड वालों को मतलब बुला चुके हैं और ये कह रहे हैं कि आग अपने आप से लगी। तो हम अपने व्यूअर से पूछते हैं, आग अपने आप कैसे लगेगी? तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन के आधार पर आए थे और एक बंदे ने जाकर वहाँ पर बात की तो डॉक्टर ने उसके साथ मिसबिहेव किया। आइए हम उनसे बात करते हैं। बताइए सर, आपका नाम? मेरा नाम अरशद है। बताइए। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ जी। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे जो ऐसे ओपन में कोई भी मेडिकल वेस्ट नहीं जला सकते हम लोग। ठीक है, अब इससे सारे पब्लिक को इफेक्ट होगा जी। तो जब ये देखा पूरा धुआं उठ रहा था तो मैंने जाकर वहाँ पे जब बात किया, ठीक है, तो वो लोग बोल रहे थे कि मैंने जब उनसे स्टाफ से बात किया तो वो लोग बोल रहे थे कि जब मैं फ़ोटो लेने के लिए गया तो वो लोग बोल रहे थे कि फ़ोटो नहीं ले सकते। हम बोला देखो भैया, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरे को पता है ऐसा आप नहीं कर सकते। तो वो बोल रहे कि मैं एक मेडिकल स्टाफ हूँ, आप जाके डॉक्टर से बात करो। जब डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर बोली ठीक है, हम बुझा देगी। आप मेडिकल स्टूडेंट हैं? बोला हाँ मेडिकल स्टूडेंट है। बोलते शक्ल से तो आप लगता नहीं है मेडिकल स्टूडेंट। तभी हम क्या, मेरा माता में लिख के घूमना क्या मेडिकल स्टूडेंट है? हम अपना हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, हम बाकी पब्लिक के लिए बोलते हैं कि इस तरह यहाँ में प्रॉब्लम होता है, बाकी सबको भी प्रॉब्लम होता है। तो आइए इसी विषय में हम यहाँ के एक सोशल वर्कर मिस्टर बाला कृष्ण से हम बात करते हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर आग लगने की खबर आई तो ये भी यहाँ पर पहुँच गए, हम उनसे बात करते हैं। बताइए। सबको नमस्कार। मुझे अब यहीं से एक लड़का ने फ़ोन किया कि भैया ऐसा मेडिकल के पीछे फायर ब्रिगेड आया हुआ है, तो मैंने पूछा क्या हो गया, उनको भी क्लियरली पता नहीं था क्या हुआ। नहीं, हम बराबर स्पॉट पहुँचे थे और हमें एविडेंस मिली है उसी के आधार पर, आग पहले इन्होंने लगाई और ये कह रहे हैं कि आग अपने आप से लग गई। आप बताइए, ये कंपाउंड यहाँ पर इतना छाव है, ठीक है, अगल बगल घर है, यहाँ पर धूप नहीं पड़ती है, यहाँ पर आग कैसे लगेगी? आप कुछ बताइए। और जब हमने उनसे बात की तो लेडी डॉक्टर ने हमसे बात करने डिनाई कर दिया, बट हम स्टिंग ऑपरेशन जब हम स्टिंग लिए तब उन्होंने कहा कि उन्होंने हमसे बात करने से ही पहला बात इनकार कर दिया था, सही से हमसे बात नहीं कर रहे थे, बट फिर भी हम उनका स्टिंग ऑपरेशन लिए। अच्छा रोहित भाई, मुझे नहीं पता, मुझे जैसे ही यहाँ से फ़ोन आया कि ऐसा फायर ब्रिगेड आया हुआ है, क्या कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो जब जैसे ही पता चला मैं स्पॉट में पहुँचा। मैं भी अभी जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या हकीकत में क्या हुआ है। तो हम बता दें जैसा हमें पकड़ो, देखिए यहाँ कैमरा। नमस्कार, न्यूज साप्ताहिक में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं USC डेयरी फार्म के यहाँ पर। जैसा हम आपको बता दें, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी उसी के आधार पर हम यहाँ पर आए हैं। क्यों यहाँ पर आपको बता दें, आज सैटरडे है, तो हम आपको बता दें यहाँ का कर्मचारी द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो में मेडिकल के कंपाउंड में, और ये कंपाउंड के जस्ट बगल यहाँ पर कई सारा घर है और यहाँ पर इस लोग एक्सपायर्ड जो मेडिसिन है वो यहाँ पर जलाया जा रहा है। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दिखाने के लिए, देखिए। और हमारे पास और भी वीडियो है जब ये लोग आग लगा रहे थे, आप देख सकते हैं। इस वक्त सब मेडिसिन का बॉक्स है, आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये सब अरुगटो। देखिए आप ये सब, ये देखिए मेरा हाथ में है, सब एक्सपायर जितना दवाई है ये लोग यहाँ पर कंपाउंड में जला रहे हैं। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर अगल बगल घर है, आपको पता है कि इससे पॉल्यूशन फैलेगा और मेडिसिन में मतलब मेडिसिन के साथ यहाँ पर केमिकल्स भी जलाया जा रहा है, तो अगल बगल के घर वालों को उससे कई सारी परेशानियाँ होगी। आप देख सकते हैं इस वक्त आग यहाँ पर जली रही है। जैसा आपको बता दें कि इस तरह का GP पंत हॉस्पिटल में भी होता है, बट ये लोग कोई डंपिंग यार्ड में ले जाकर उन्हें उस मेडिसिन को जो भी एक्सपायर होता है उन्हें जलाया जाता है, बट ना कि मेडिकल कंपाउंड के अंदर। और वो भी ये मेडिकल आता है डेयरी फार्म के जस्ट बस्ती के बगल में, यहाँ पर अगल बगल काफ़ी सारे घर है, तो इसके वजह से इन घर वालों को परेशानी होगी। घर में सारा बच्चा रहते हैं, काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम्स होगी।
आखिर इसका जवाब देगा कौन? आइए हम इस मेडिकल के जो इंचार्ज हैं उनसे बात करते हैं। कट मत करो। देखिए आप यहाँ पर देखिए प्लास्टिक बोतल्स है। हम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम आपको बता दें यहाँ पर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप देखिए प्लास्टिक बोतल्स कैसे यहाँ पर मेल्ट होकर, देखिए यहाँ पर खड़ा होना भी बहुत ही मुश्किल है। और देखिए आग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है। जैसे ही हम आए हमें देखकर ये लोग आग यहाँ पर बुझाना शुरू कर दिए। तो आइए इसी विषय में हम इस मेडिकल के जो यहाँ के जो मेन हैं उनसे बात करते हैं। पॉज करो। यहाँ के इंचार्ज कौन है? क्या आइए इंचार्ज कौन है? डॉक्टर पेशेंट है। भाई आप काम करते हो ना यहाँ पर? यहाँ पर फिर तो जैसा हम आपको बता दें हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। आप आइए। देखिए ये डेयरी फार्म का यूएचसी है, अर्बन हेल्थ केयर। और यहाँ पर ये लोग अपनी मनमर्जी से यहाँ पर दवाइयाँ सारी जो भी एक्सपायर्ड है वो जला रहे हैं। जैसा हम आपको दिखाते हैं अभी यहाँ पर ब्लास्ट की भी साउंड है क्योंकि दवाइयाँ जो है प्लास्टिक जो है वो जल रही है। आइए हम बात करते हैं। पॉज करो। जैसा हम आपको बता दें कि हमने यहाँ के इंचार्ज जो डॉक्टर तमन्ना है हमसे उनसे बात करने की कोशिश करी बट वो हमें डिनाई कर रहे थे। वो इस बारे में कुछ नहीं कह रहे थे। और जब हमने कुछ स्टिंग किया तो उन्होंने ये कहा कि ये आग अपने आप से लग गई। तो आप बताइए जो दर्शक अभी देख रहे हैं आप बताइए आग कैसे लगेगी अपने आप से? इतना बड़ा मेडिकल है और अगर जो भी होगा तो हम इंचार्ज से नहीं पूछेंगे तो यहाँ पर किससे पूछेंगे? ये कह रहे हैं कि आप इनके सीनियर से पूछिए। यहाँ के इंचार्ज जब ये है तो हम इनके सीनियर से क्यों बात करें? ये कह रहे हैं जीबीपीवन अस्पताल में बात कीजिए। जीबीपीवन अस्पताल में हम क्यों बात करेंगे? तो आइए जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी फायर विकेट भी आ चुका है और हम आपको वीडियो में दिखाई भी थे जो बंदा यहाँ पर पानी डाल रहा है। और हमारे पास और एक वीडियो है जब आग यहाँ पर काफ़ी लगी थी वो भी हम आपको दिखाएंगे। हाथ हटाओ। सर मैं अभी डॉक्टर से भी बात किया। मैडम बताइए क्या हुआ क्योंकि लोग भी मतलब भयभीत है जी। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं आके माइक के सामने बात भी नहीं कर सकता। तो मैंने बोला कि मैडम आप तो इसका अभी फिलहाल जो लोग गलती करते हैं ना वो लोग कैमरा फेस नहीं करते। और आपको मैं बता दूँ ये सुबह 7 बजे से हुआ है, ठीक है? और ये वीडियो है, वीडियो हमें किसी ने भेजा है, ठीक है? आप खुद एक बात बताइए, आप मेडिकल कंपाउंड के अंदर लॉक रहते हैं, अंदर कौन घुसेगा? ठीक है, जांच का विषय ये है, अंदर कौन घुसेगा? अंदर कोई बिना कोई और पर्टिकुलर एरिया में क्यों आग लगाएगा? मैम कह रही है कि फिक्शन से हुआ है, गर्मी से, ठीक है? और कोई जगह नहीं है यहाँ पर, पीछे इतना पेड़ है वहाँ पर कहाँ से? और एक पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ लगेगा जहाँ पर ये लोग का केमिकल्स, वहाँ पर जो दवाइयाँ है, ये लोग अपना एक्सपायर्ड, ये लोग अपना आपको बचाने के लिए दूसरों को परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, ये बिल्कुल ये जांच के विषय है क्योंकि यहाँ में बहुत सारे दिन में जो है 200-300 लोग आते हैं, बैठते हैं, मेडिसिन लेके जाते हैं। बिल्कुल ये जांच के विषय है। अगर ये थोड़ी सी आग से बच मतलब काम थोड़ा रुक गया और थैंकफुल टू जो जितना भी मतलब फायर ब्रिगेड लोग हैं। मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ, इससे जो स्मेल जो आता
जो धुआं जो है उससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, खास करके बच्चों को, अस्थमा पेशेंट्स को और इवन न्यू बॉर्न बेबीज को, और जो लोग मतलब जिसे कुछ बीमारी नहीं है उसे भी बीमारी हो सकती है इससे। बिल्कुल बिल्कुल सकती है भाई, ये तो बिल्कुल जान के विषय है जी। यहाँ पे पुलिस वाले भी आए हुए हैं और थैंक्स टू जो फायर ब्रिगेड लोग हैं जितना जल्दी आए वाक्य आए और अपने काम मतलब बहुत तेजी से किया और आग को बुझाने में कामयाब रहे। और देखिए ये लोग गलती कर रहे हैं तो आग तो बुझाएंगे, ठीक है, हमारे पास एविडेंस है, ये लोग गलती कर रहे हैं तो आग तो बुझाएंगे, कि आप बताइए एक कंपाउंड के अंदर कैसे आग लगेगी। नहीं ये तो बिल्कुल मेडिकल, ये एक हम आपको बता दें गेट लॉक रहता है और किसकी हिम्मत होगी कि मेडिकल कंपाउंड के अंदर घुस के आग लगाए विदाउट, ये लोग कहते हैं कि बाहर वाला कोई लगा गया, मतलब इनका ये कहना है, तो बाहर वाला कैसे आएगा और एक पर्टिकुलर एरिया में ही कैसे लगेगा। तो ये लोग गलती कर रहे हैं, डेट्स वाई ये हमें फेस नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर हमसे बात करने के लिए डिनाई कर रहे हैं, मतलब ये लोग गलती। जब हम आए तब इनके अधिकारी आग वहाँ पर बुझा रहे थे, हमें देखकर ये लोग फायर ब्रिगेड को कॉल करे, तो हम आपको बता दें तो जाँच का विषय है और डीएचए डायरेक्टर तो फायर सर्विस को ये चीज़ देखना चाहिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, क्योंकि आप लोग कहते तो बहुत कुछ है बट करते नहीं है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।